दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। शहीद विवेक कुमार के घर पर राज्यपाल विश्वनाथ हारलेकर। अवैध खनन पर फिर चला पुलिस का चाबुक, 6 ट्रैक्टर पकड़े। श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने परिक्रमा पर निकला मां छंडियारा का भव्य देवी रथ। राजगढ़ के नेहरू मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन रोमांचक मुकाबलों का दौर। और अब खबरें विस्तार से। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में शहादत का जाम पीने वाले सीडीएस जनरल विपिन रावत के पीएसओ विवेक कुमार के परिवार को ढांढस बांधने राज्यपाल विश्वनाथ हारलेकर पहुंचे हैं। जयसिंहपुर स्थित शहीद के घर पहुंचे प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ हारलेकर ने शोक ग्रस्त परिवार को सांत्वना देते हुए उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया। राज्यपाल के साथ स्थानीय विधायक रविंद्र धीमान, उपमंडलाधिकारी नागरिक पवन शर्मा भी मौजूद रहे। पांवटा साहिब में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। इसी कड़ी में शनिवार सुबह 6:30 बजे पुलिस टीम ने डीएसपी वीर बहादुर के नेतृत्व में बांगरन पुल के नीचे गिरी नदी क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पीएस पुरवाला के तहत और एम फार्म के बिना खनन सामग्री उठाने में शामिल 5 ट्रैक्टरों को जब्त कर लिया गया। वहीं एम फार्म के बिना खनन सामग्री ले जा रहे बांगरन ब्रिज के पास मुख्य सड़क पर एक और ट्रैक्टर पकड़ा गया है। पीएस पुरवाला में खनन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। डीएसपी पांवटा साहिब ने बताया 4 दिन में कुल 2 एफआईआर दर्ज की गई है। 3 ट्रैक्टरों का चालान व 29,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया है। उपमंडल करसोग के ऐतिहासिक गांव पांगना क्षेत्र स्थित मां छंडियारा का भव्य देवी रथ 7वें वर्ष में प्रवेश करते हुए अपने क्षेत्र के गाँव की परिक्रमा को श्रद्धालुओं संग निकला। इस दौरान श्रद्धालु पलकें बिछाकर कदम कदम पर मां का स्वागत करते दिखे। इस आयोजन को देव भाषा में सत्राड़ा भी कहा जाता है। पांगना के देवी देवता भी अपनी प्रजा की रक्षा के लिए ढाढ़ी बाजगियों, देवलुओं, कारदारों और देव विशेष के गांव के हर परिवार के एक सदस्य के साथ मीलों पैदल चल कई दिनों की परिक्रमा पर निकले हैं। सतराड़ा यात्रा के दौरान महामाया छंडियारा जी का दिव्य देवरथ पांगना, साना, जरल, मशोग, बरठुना, थाच, पजियाणु, माना, केलोधार, कतियाणा व मथल आदि लगभग 13 दिन की पदयात्रा पर निकला है। इस दौरान जागरण का भी आयोजन किया जा रहा है। हिमाचल के सभी दर्शकों को नमस्कार। मां छंडियारा 6 वर्षों के पश्चात 7वें वर्ष में अपने देवी रथ के साथ अपने जगह जगह पर समस्त ग्रामों में परिक्रमा के लिए निकली है। इसी बीच ग्राम साना में भी माता का आगमन हुआ। समस्त भक्तजनों ने रात्रि भर जागरण किया और माता का आशीर्वाद प्राप्त किया और इसी बीच समस्त भक्तजनों को मां का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दिव्य हिमाचल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। राजगढ़ के नेहरू मैदान में 62वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पहले दिन कई रोमांचक मुकाबले खेले गए। प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रदेश के पंचायती राज मंत्री व वॉलीबॉल संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने किया। पहले दिन प्रदेश बिजली बोर्ड की टीम ने जिला कुल्लू की टीम को 3-2 के अंतर से हराया। वहीं ऊना ने किन्नौर को सीधे सेटों में 3-0 के अंतर से मात दी। उधर पहले दिन महिला वर्ग के एकमात्र मुकाबले में एचपी फॉरेस्ट ने मंडी को पराजित किया। 135 करोड़ का ये देश, लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जाते हैं, ओलंपिक्स में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि अंक तालिका में हम बहुत पीछे होते हैं। लेकिन पिछले बार हमारे केंद्र की सरकार ने खेलो इंडिया अनेकों कार्यक्रम जो है वो जिनकी शुरुआत की और इस और जो है वो अपना ध्यान दिया बहुत ज्यादा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए राजगढ़ से नितिन वालियाट के साथ नितिन भारद्वाज की रिपोर्ट।